जब से नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, तब से भारत के अन्य देशों के साथ संबंध काफी अच्छे हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मालदीव्स, इन सभी देशों के साथ पीएम मोदी का दोस्ती का संबंध काफी अच्छा और सच्चा है। लेकिन अभी कोरोना के चलते इन दोस्तों का मिलना नहीं हो पा रहा है, इसलिए साथ मिल बैठने के लिए कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तभी तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की याद करते हुए रविवार सुबह ट्वीट किया था, लिखा था, इसे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करना चाहते हैं। समोसों के साथ आम की चटनी भी थी। अब इस दावत को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया है। स्कॉट मॉरिसन के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉट मॉरिसन के ही ट्वीट को रिट्वीट किया है। लिखा है, हिंद महासागर से जुड़े और समोसे से एकजुट हुए, आपका समोसा स्वादिष्ट लग रहा है। एक बार हम कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर लेते हैं, फिर साथ बैठकर समोसा जरूर खाएंगे। 4 जून को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट के जरिए पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन से मिलने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करते हुए जो तस्वीर पोस्ट की थी, उसके कैप्शन में समोसा को स्कोमोसाज लिखा था। मॉरिसन ने लिखा था, दुख की बात है कि हमारी मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए होगी। पीएम मोदी शाकाहारी हैं, मैं उनके साथ इसे साझा करना पसंद करूंगा। आपको बता दें कि आने वाली 4 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस दौरान दोनों नेता वीडियो लिंक के जरिए आपसी संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, डिफेंस और तकनीक के आदान प्रदान को लेकर कई समझौते हो सकते हैं। इसी मीटिंग में मिलने के बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से की है।